नमस्कार, पिंकीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं डबल चॉकलेट आइसक्रीम। उसके लिए हमको क्या क्या सामान चाहिए, आइए देखते हैं। एक छोटा कप मैंने वेनिला एसेंस लिया है, आधा कप मैंने पिसी हुई शक्कर ली है, आधा कप दूध लिया है, ठंडा दूध है, और आधा कप चोको चिप्स लिए हैं मैंने, आधा कप मैंने चॉकलेट लिया है जो बारीक मैंने तोड़ के रखा हुआ है, और दो कप मैंने व्हिप क्रीम ली है। मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि व्हिप क्रीम कैसे बनाते हैं, तो आइए कैसे बनाते हैं शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। पानी हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है और ये बाउल हम इसमें रख देंगे। चॉकलेट हम इसमें डाल देंगे, इसको मेल्ट करेंगे हम। तो देखिए हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है, अब हम इसको उतार लेंगे। तो हमारी चॉकलेट भी मेल्ट हो गई है, जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आती है तब तक हम इसमें दूसरे सामान डालेंगे। सबसे पहले हम वेनिला एसेंस डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पिसी हुई शक्कर डालेंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे, हल्के हाथ से मिक्स करना है। अब हम इसमें ये दूध भी डाल देंगे हमारा, फिर इसको हिलाएंगे। चोको चिप्स भी डाल देंगे हम इसमें। आधे चोको चिप्स हम बचा लेंगे, ये हमको ऊपर से डालने के लिए चाहिए। अब हम इसमें ये हमारी चॉकलेट डाल देंगे, धीरे धीरे हम इसको मिक्स करेंगे हल्के हाथ से। सारे सामान हमारे मिक्स हो गए, अब हम इसको इस टिफिन में शिफ्ट कर देंगे। अब हम इसको 24 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे, उसके बाद हम इसको निकालेंगे और इसका ढक्कन हम लगा देंगे ताकि इसके ऊपर बर्फ नहीं जमने पाए। देखते हैं हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई कि नहीं हो गई। वाओ, तैयार हो गई हमारी आइसक्रीम। अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो हमने हमारी चॉकलेट आइसक्रीम सर्व कर दिए, अब हम इस पे चोको चिप्स के गार्निश करेंगे। तो देखा आपने डबल चॉकलेट आइसक्रीम बनाना कितना आसान था। आप भी अपने घर पे जरूर बनाएं और अपने अनुभव मुझसे शेयर करें। और हाँ, मेरी वीडियो पसंद आई हो आपको तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।